Some springs are combined in series and parallel arrangement as shown in figure. A mass m is suspended from them. The ratio of their frequencies will be. तो अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ के के. ठीक, अब हम क्या करते हैं, पहले केस में इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा वो देख लेते हैं. तो पहले केस में दोनों सीरीज में हैं तो इक्विवेलेंट कांस्टेंट हो जाएगा के बाई टू. सीरीज का फॉर्मूला होता है के वन के टू के वन प्लस के टू. तो यहाँ पे ये यूज किया आ गया. अब हम दूसरा, इसे हमने कहा पहले का, अगर हम दूसरे की बात करें तो के इक्विवेलेंट टू जो है इसकी वैल्यू क्या होगी. तो सबसे पहले ये दोनों पैरेलल में है और पैरेलल में जब होता है स्प्रिंग तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए के वन प्लस के टू हो जाता है. तो यहां पर हो गया आपका टू के और टू के साथ ये है सीरीज में. तो टू के इंटू के डिवाइडेड बाई टू के प्लस के, दैट इज टू के बाई थ्री. तो टू बाई थ्री के आपका के इक्विवेलेंट टू आ गया. इसे इक्वेशन वन लिखा है, इसे इक्वेशन टू लिखा है. अब एफ टू, इन्होंने कहा है कि द रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, तो हम ले लेते हैं एफ वन बाई एफ टू. तो एफ वन बाई एफ टू की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ के बाई टू एंड टू बाई थ्री का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. तो टू बाई थ्री के, तो ये हो जाएगा आपका थ्री बाई फोर, के से के कैंसिल हो जाएगा. तो ये जाएगा रूट थ्री बाई टू और ऑप्शन सी आपका करेक्ट.